अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में डायरिया से पीड़ित मरीजों की भरमार है। रोजाना दर्जन भर मरीज डायरिया से पीड़ित होकर इलाज करवाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में सारे वार्ड मरीजों से भर गए हैं। वहीं विभाग ने भी लोगों को डायरिया से बचने के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में डायरिया से पीड़ित करीब दर्जन भर मरीज रोजाना उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। मरीजों की हालत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। इससे अस्पताल के मेडिकल वार्डों के बेड भी भर गए हैं। वहीं रोजाना उल्टी दस्त से पीड़ित मरीजों के आने से अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सकों ने बरसात के मौसम में दूषित पेयजल और खान पान का ध्यान न रखने को डायरिया का मुख्य कारण बताया है। डायरिया में व्यक्ति बार बार मल त्याग करता है और मल पतला होता है। वहीं पाचन शक्ति सही न रहने पर उल्टी भी आती है। डायरिया की स्थिति में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ध्यान रहे कि पानी उबाल कर पिए, अपने आसपास सफाई रखें, संतुलित ताजा एवं पौष्टिक भोजन करें, तले और भुने हुए भोजन से परहेज करें। लक्षण दिखने पर चिकित्सकों के पास जाएं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर बाबेश बरवाल का कहना है कि बरसात के मौसम में उल्टी दस्त से पीड़ित अधिक मरीज अस्पताल में आ रहे हैं। दूषित पानी के कारण मरीज इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को मिनरल पानी या उबालकर पानी पीने की सलाह दी है। इसके साथ ही खान पान का विशेष ध्यान रखने का आग्रह भी किया है। उन्होंने बच्चों का भी विशेष ध्यान रखने का आग्रह भी किया।